बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सारी कमर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा जो कि सबकी फेवरेट होती है, इसलिए आज हम इसका तरीका बताएंगे आपको बनाने का। जिसके लिए पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने दही लिया था, उसकी लस्सी बना ली है, एक जग में ली है। एक प्याली इसमें जाएगी बेसन, साथ में जाएगा प्याज, टमाटर, 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें थी जिनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। साथ ही जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें जाएंगे कुछ मसाला जात। इनमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, वो खुश्क धनिया है और साथ में है उसके कसूरी मेथी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लस्सी पड़ी है, इसमें हम हमारे पास जो बेसन है एक प्याली, वो ऐड करेंगे। बेसन को हम लस्सी में ऐड कर देंगे जो हमने दही की बना रखी है। फिर हम इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना बचे। बेसन को जो कि हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको कुक करते हैं हम। तो जी व्यूअर्स, अब हमने एक मीडियम वाला बर्तन ले लिया है, उसमें हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल क्योंकि हमारा ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है, अब हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो जी व्यूअर्स, देखें जैसा कि प्याज हमारी लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है, अब हमारे पास जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी इसमें ऐड करेंगे। साथ में सब्ज मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हिलाएं। इसके साथ ही हमारे पास जो टमाटर है कट किए हुए वो ऐड करेंगे। टमाटर अदरक और लहसुन को 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें अब हम हमारे पास जो नमक है, लाल मिर्ची है और बाकी मसाला जात है इनको ऐड करेंगे। अब इनको हमें अच्छे से बनाई करनी होती है। मेथी को आप लास्ट पर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर ऐसे तड़का बनाते हुए डालेंगे तो इसका बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका ऑयल भी जो होता है वो कढ़ी का बाहर आता है। आपको पता है कढ़ी की जो ऑयल हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब हम इसको मसाले को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। तड़के की बुनाई करते हुए हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे पास थोड़ी सी इमली, खट्टी इमली थी, इसको मैंने पानी में भिगो के वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी इसमें डाल के हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें अपने तड़के को अच्छे से भूनते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखें इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हमारे पास जो लस्सी है जिसमें हमने बेसन को मिक्स कर रखा था वो ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद इसको हम तेज आंच पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। बेसन में चूके बाल आना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें एक जग के करीब पानी ऐड करेंगे। अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो आप इसमें मजीद एक जग पानी ऐड कर दें। आप भी प्लीज इस क्वांटिटी को अच्छे से नोट किए करें कि हमारे पास एक जग तकरीबन मिट्टी थी जिसमें हमने एक प्याज बेसन को अच्छे से मिक्स किया और फिर। तो जी व्यूअर, देखें जैसा कि कढ़ी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, हम इसको आहिस्ता से हिलाएंगे और इसकी फ्लेम को हम लो कर देंगे क्योंकि ये तेज आंच पे बाहर गिरेगी। जब तक ये पकती है हम अपने इसमें जो पकौड़े ऐड करने हैं उसको रेडी कर लेते हैं। तो जी व्यूअर, जैसा कि हमारी कढ़ी रेडी हो जाएगी, अब तब तक हम उसमें डालने के लिए जो पकौड़े बनाने हैं उसकी रेसिपी को देख लेते हैं। मैंने आलू लिए हैं जिनको बड़ी चॉप कर लिया हुआ, उसमें जाएगा साथ ही एक प्याली बेसन, प्याज जिसको बारीक चॉप किया हुआ, उसमें जाएगा हरा धनिया और उसके साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड होंगे जिसमें खुश्क धनिया, उसमें जाएगा अनारदाना, लाल मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी,
ये भी लाल मिर्च है लेकिन वो हरे वाली है, उसको क्रश किया हुआ, और उसमें साथ में जाएगा नमक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बॉल लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन को ऐड करते हैं, इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया, उसके साथ ही हमारे पास जो स्पाइसेस हैं सारे ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को आप अपने ना टेस्ट के हिसाब से लीजिए, नमक मिर्च हरे का अलग से टेस्ट होता है, कुछ लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ लाइट खाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। प्लीज तो अच्छे से मिक्स करें ताकि सारे स्पाइसेस हैं मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, और साथ में इसमें कर देंगे ऐड जो हमारे पास आलू हैं, हमने इनको बारीक कट करके अच्छे से वॉश कर लिया था, तो मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे हम। तो जी व्यूअर्स, देखें हमने पानी डाल के इसका एक थिक सा बैटर रेडी कर लिया है। बैटर कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो जी व्यूअर्स, देखते हैं जैसा कि ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है, अब हम इसमें अपने पकौड़े बनाते हैं। पकौड़ों का साइज आपने नॉर्मल रखना है, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद थोड़ा कड़ी में जब जाएंगे तो थोड़ा सा फूल जाते हैं, ज़्यादा बड़े पकौड़े इसमें अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही करके आपने तमाम पकौड़े बनाते जा रहे हैं। फ्लेम को आपने नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा हाई हो और ना ज़्यादा स्लो हो। जब आपको लगे कि इनकी एक साइड बन गई है, इनकी साइड को चेंज कर लें। पकौड़ों को हमें लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। जी व्यूअर्स, देखें जैसे एक साइड पे हमारे पकौड़े बन रहे हैं, तो दूसरी साइड पे तकरीबन हमारी कड़ी जो है वो कुक हो चुकी है। इसको हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है। जितने ज़्यादा इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। तो जी व्यूअर्स, देखें पकौड़े हमारे कितने अच्छे से रेडी हो रहे हैं। आपने इसकी साइड्स को पलटते जाना है, ये ना हो कि एक साइड आपकी कच्ची रह जाए और एक जल जाए। पकौड़े हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। पकौड़ों को हम एक छलनी की मदद से पानी में डालेंगे। आपने सेम यही प्रोसीजर करना है और अपने सारे पकौड़े रेडी कर लेने हैं, और बाद में हमने इसको कड़ी में डालना है। देखें कितनी प्यारी लुक आई है इनकी। तो जी व्यूअर्स, देखें जैसा कि कड़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है, देखें ये थिक भी हो गई है। अब हमने जो पकौड़े रेडी किए हुए हैं इसमें वो ऐड करेंगे। पकौड़े ऐड करने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और नीचे से फ्लेम को ऑफ करेंगे। इसको ढक्कन लगा के 4 से 5 ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि इसकी फाइनल लुक क्या है। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि हमारी कड़ी भी रेडी हो चुकी है और उसमें डालने के लिए पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, अब हम अपनी कड़ी को बघार लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें लहसुन को बारीक चॉप करेंगे, उसको डालेंगे। ये देखिए आपने इस तरह लहसुन को बारीक चॉप कर लेना, 3 से 4 इसके पीसेस लें, उसको अच्छे से बारीक चॉप करें। तो जी व्यूअर्स, देखें हमारा जो लहसुन है वो तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें हम जीरा डालेंगे थोड़ा सा, और साथ ही इसमें 3 से 4 अदद लाल मिर्चें डाल देंगे साबुत,
फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है, वरना जो मिर्ची और जीरा है वो जल जाता है। तो सिर्फ 2 मिनट तक इसमें आपने ऐसे चम्मच चलाना है। देखिए हमारा जो बाजार है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको कड़ी पे डाल के आपको दिखाते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसको उतारते हैं। जी बस हमने कड़ी और पकौड़ा को एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया लगाएंगे। इसके साथ हमने जो बघार रेडी किया हुआ है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए हमारी कड़ी का कितना प्यारा कलर आया है और कितनी खूबसूरत ये रेडी हुई है। तो लीजिए व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको वाइट चावलों के साथ, वाइट चावल जिनको मैंने सादा खुले पानी में बॉयल किया हुआ है, थोड़ा सा नमक और ऑयल डालने के बाद